अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स का लफ्ज़ ड्राइव्ड लिया गया है फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेक्रॉन। ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से मीनिंग शुगर, जिसका मतलब है शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट्स के तीन बड़े ग्रुप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। पहले हम देखेंगे मोनोसेक्राइड्स। मोनो से मुराद है एक, सिंगल, और सेक्राइड्स यानी सेक्रॉन से मुराद है शुगर यानी एक शुगर। अब इसकी करेक्टर्स हम देखते हैं। दीज आर सिंपल शुगर, ये सादा तरीन शुगर हैं। स्वीट इन टेस्ट, इनका जायका मीठा होता है। इजीली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में आसानी से हल हो जाती हैं। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है पानी की मौजूदगी में, यानी पानी को इस्तेमाल करके किसी बड़े मॉलिक्यूल का टूटना। अब ये तो है ही सिंपल, सादा, लिहाजा इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकती। इनटू सिंपल शुगर यानी सादा शुगर में ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो पहले ही सादा है। केमिकली दे आर इधर पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी केमिकली या तो ये एल्डिहाइड होंगी या कीटोन, क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे अगर तो इनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ये एल्डिहाइड शुगर होंगी, अगर कीटो ग्रुप होगा तो ये कीटोन होंगी। ऑल कार्बन एटम इन द मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप, यानी मोनोसेक्राइड में जितने भी कार्बन एटम हैं सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा एक्सेप्ट वन, एक के बजाय। मसलन यहाँ पे देखें, ये तीन कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट आपको दिखाया गया है। इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ नहीं है। यहाँ पे भी देखें, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है। अब वो जो एक जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है, वो कह रहा है रिमेनिंग कार्बन एटम इधर बी द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, व जो बाकी जो कार्बन एक बच गया जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है वो या तो एल्डिहाइड का हिस्सा होगा या कीटो ग्रुप का। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये एल्डिहाइड का हिस्सा है कार्बन और यहाँ पे ये कीटो ग्रुप का हिस्सा है। आगे हम देखते हैं एल्डो शुगर और कीटो शुगर में क्या फ़र्क है। अब वो कह रहा है एल्डो शुगर, शुगर विद द एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसी शुगर यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको हम एल्डो शुगर कहेंगे, अगर तो कीटो ग्रुप होगा तो कीटो शुगर कहेंगे। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इस तरफ कार्बन एटम की चेन अटैच होगी। अब ये ग्रुप जिस भी कार्बन एटम की चेन के साथ अटैच होगा वो एल्डिहाइड शुगर कहलाएगी। मसलन यहाँ पे देखें, इस कार्बन की चेन के साथ ये आपको एल्डो ग्रुप नजर आ रहा है, लिहाजा ये एल्डिहाइड फॉर्म का ये जो शुगर है ये एल्डिहाइड फॉर्म है। दूसरी तरफ देखें, कीटो शुगर उसको कहते हैं शुगर विद द कीटो ग्रुप, जिसके साथ कीटो ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब कीटोनिक ग्रुप क्या है, ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये कीटोनिक ग्रुप है, जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, इस तरफ भी कार्बन एटम और इस तरफ भी कार्बन एटम अटैच होता है। यही वजह है कि कीटोनिक ग्रुप का जो कार्बन है वो उसकी लोकेशन कार्बन नंबर 2 पे होगी। जैसा कि यहाँ पे देखें, एल्डिहाइड की लोकेशन कार्बन नंबर 1 पे है और इसकी लोकेशन 2 पे है, क्योंकि इस तरफ भी इसके कार्बन ने अटैच होना होता है और इस तरफ भी कार्बन ने अटैच होना होता है। तो लिहाजा अब इस कीटो ग्रुप की वजह से ये जो आपको शुगर नज़र आ रही है ये कीटो शुगर कहलाएगी। अब देखें, ये दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी कार्बन एटम की तादाद 3 है और यहाँ पे भी कार्बन एटम की तादाद 3 है, ये 3 कार्बन शुगर, ये दोनों 3 कार्बन शुगर है और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, C3H6O3। तो फर्क कहाँ पे आ रहा है, एक के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और एक के साथ कीटो ग्रुप अटैच है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से इनके नाम मुख्तलिफ हैं। मसलन ये ग्लाइसर एल्डिहाइड है और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इन नेचर मोनोसेक्राइड विद 3 to 7 कार्बन एटम फाउंड, यानी नेचरली मोनोसेक्राइड में 3 से लेकर 7 कार्बन एटम तक हो सकते हैं। अगर मोनोसेक्राइड में कार्बन एटम की तादाद 3 है तो उसको हम ट्रायोसिस कहेंगे। अब ट्रायोसिस की एग्जांपल है ग्लाइसर एल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब ये कहाँ मौजूद हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन फोटोसेंथिसिस एंड रेस्पायरेशन। देखिए, फोटोसेंथिसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और रेस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो इस रिएक्शन के दरमियान में जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल बनते हैं उनके अंदर ये ट्रायोसिस ग्लाइसर एल्डिहाइड भी मौजूद होता है। इसी तरह अगर मोनोसेक्राइड में 4 कार्बन एटम है तो उसे हम टेट्रोसिस कहेंगे। इसकी मिसाल है एरिथ्रोस और ये कहाँ पे मौजूद है, रेयर इन नेचर, ये नेचर में बहुत कम होते हैं, इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद होते हैं। इसी तरह 5 कार्बन एटम है तो पेंटोसिस कहेंगे और अगर मोनोसेक्राइड में 6 कार्बन एटम है तो हेक्सोसिस कहेंगे। ये दोनों पेंटोसिस और हेक्सोसिस
मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये ज़्यादा अहम है क्यों, और इनकी मौजूदगी भी ज़्यादा होती है और इनकी अहमियत भी ज़्यादा होती है। इनकी अब देखें, पेंटोस की मिसाल है जी राइबोस, डिऑक्सी राइबोस, जबकि हेक्सोस की मिसाल है ग्लूकोज। इसी तरह अगर सात कार्बन है तो उसे हम हेप्टोसिस कहेंगे और इसकी मिसाल है जी ग्लूकोहेप्टोस। अब इन सब के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोस इज ग्लूकोज, सबसे अहमियत का हामिल जो है वो ग्लूकोज है। यहाँ पे आपको राइबोस और ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल फार्मूला नज़र आ रहे हैं। राइबोस एक पेंटोस शुगर है, इसमें पाँच कार्बन है, जबकि ग्लूकोज एक हेक्सोस शुगर है, इसमें छः कार्बन है। अगर आप देखें तो राइबोस और ग्लूकोज दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी वजह से ये दोनों एल्डो शुगर हैं। हम नोट करें तो राइबोस में जितने भी OH ग्रुप हैं वो राइट साइड पे लगे हुए हैं, कार्बन के राइट साइड पे, जबकि ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 3 में जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है और बाकी सारे OH ग्रुप जो हैं वो राइट साइड पे हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। मसलन मिसाल से आप समझें कि 3 डायमेंशनल स्पेस में ये 6 कार्बन है जो तरतीब से जुड़े हुए हैं, कार्बन नंबर 2 का OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है और कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है। इसी तरह कार्बन नंबर 4, 5 और 6 का OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है। तो जिस तरह 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी अरेंजमेंट है, तो आपने कागज़ पे लिखते हुए भी कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे ही लिखना है, वगरना आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। अब जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो जब सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं, यानी पानी या किसी सॉल्वेंट में उनको हल किया जाता है, तो वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब वो रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है? देखिए, रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, जो लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, मसलन यहाँ पर राइबोस में देखें तो सेकेंड लास्ट कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पे ट्रांसफर हो जाता है। अब इसको समझें किस तरह से, ये ग्लूकोज में मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो कार्बन नंबर यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 5 है, इसके हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जबकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये अट्रैक्ट करेगा इस ऑक्सीजन के साथ और ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह यहाँ पे देखें कि ये कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोजन है वो ये कार्बन नंबर 1 के O के साथ अटैच हो गया, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया और ये OH ग्रुप, जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी ये जो कार्बन आपको नज़र आ रहा है इस कार्बन की तरफ इस ऑक्सीजन की अट्रैक्शन होगी, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, यानी कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान ये ऑक्सीजन एक लिंक बना देगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। अब इसी तरह ये रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रिंग स्ट्रक्चर में भी आप देखें तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान जो आपस में अटैचमेंट है वो इस ऑक्सीजन की वजह से है, वो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन बनी। तो इस तरह से कार्बन नंबर, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसका OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे ट्रांसफर हो जाएगा और रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पर देखें ये ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने की कि ये जो OH या हाइड्रोजन ग्रुप राइट साइड पे हैं वो जब रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको कार्बन के नीचे की तरफ लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड पे हैं उनको कार्बन के ऊपर की तरफ लिखेंगे। मसलन यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप जो सा बना है वो राइट साइड पे है, लिहाजा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जबकि कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप जो सा है वो भी राइट साइड पे है, वो भी नीचे आ गया, जबकि कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप ये लेफ्ट साइड पे है, ये ऊपर की तरफ आएगा। इसी तरह कार्बन नंबर 4 का ये नीचे की तरफ, कार्बन नंबर 5 वाला तो वैसे ही ट्रांसफर हो गया, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। इसी तरह से राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 1 को अपना OH ट्रांसफर करेगा और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान ये ऑक्सीजन का लिंक बनेगा, जिस तरह से यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर लिंक बना था। अब ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को ग्लूकोपाइरानोस कहते हैं, जबकि राइबोस के रिंग स्ट्रक्चर को राइबोफ्यूरानोस कहते हैं। उसकी वजह ये जो फ्यूरानोस लफज, ये फ्यूरेन कंपाउंड से लिया गया। फ्यूरेन मोनोसैकेराइड में 5 कार्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर के लिए लफज इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूरेन लफज 5 कार्नर्ड रिंग, 5 कार्बन वाला रिंग होगा लेकिन उस 5 कार्नर के अंदर कार्बन एटम की तादाद 4 होगी, यानी यहाँ पर देखें कार्नर 1, 2, 3, 4, 5 हैं,
लेकिन कार्बन एटम रिंग के अंदर चार हैं, एक दो तीन चार, तो ये फ्यूरानोस। जबकि पायरानोस लफज पायरीन लफज से लिया गया है, पायरीन सिक्स कार्नर रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिंग कॉर्नर तो सिक्स होंगे लेकिन कार्बन एटम फाइव होंगे, एक दो तीन चार पाँच, छेवा कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होगा। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये रिंग से बाहर है छेवा कार्बन, तो ये ग्लूकोपायरानोस। अब इसको डी ग्लूकोज कहते हैं और इसको डी राइबोज कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। यहाँ पे देखें, ये डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है। अब डी और एल में क्या फ़र्क है, डी से मुराद है डेक्स्ट्रा रोटेटरी और एल से मुराद है लिवो रोटेटरी। ये एक दूसरे के एनेंटोमर्स हैं, एनेंटोमर्स कहते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। यानी अगर एक इस तरह से है तो दूसरा इसके इस तरह से, यानी मिरर है एक दूसरे के। जैसा कि कार्बन नंबर टू पे ओएच ग्रुप राइट साइड पे है, जबकि यहाँ पे ओएच ग्रुप लेफ्ट साइड पे है। इसी तरह कार्बन नंबर थ्री पे ओएच ग्रुप लेफ्ट साइड पे है और इसका कार्बन नंबर थ्री पे ओएच ग्रुप राइट साइड पे है। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब डेक्स्ट्रा का मतलब है क्लॉकवाइज, यानी राइट साइड। क्योंकि डी ग्लूकोज क्या करता है, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी राइट साइड पे रोटेट करता है। जबकि लिवो, लिवो का मतलब है लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि एल ग्लूकोज क्या करता है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी, डेक्स्ट्रा मतलब राइट साइड क्लॉकवाइज, जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। लिवो का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट साइड। तो ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में फ़र्क है। और इसी तरह ये इनके डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के ये रिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो जो हाइड्रोजन या ओएच ग्रुप राइट साइड पे हैं वो नीचे की तरफ लिखेंगे, और जो जो लेफ्ट साइड पे हैं उनको ऊपर की तरफ लिखेंगे। अब आगे आ जाएं, यहाँ पे अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या फ़र्क है। अगर तो ग्लूकोज के अंदर ये जो ओएच ग्रुप है, ये कार्बन नंबर वन का ओएच ग्रुप, अगर तो ये नीचे की तरफ होगा तो उसको हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे, और अगर वो कार्बन नंबर वन के ऊपर जो ओएच ग्रुप है वो ऊपर की तरफ होगा तो उसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। आगे हम ग्लूकोज के बारे में देखते हैं। इन फ्री स्टेट इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, फ्री स्टेट से मुराद है ग्लूकोज अकेला, अबंड यानी तमाम फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, अबंडेंट इन ग्रेप्स फिग एंड डेट्स। अब ये अंगूर के अंदर, अंजीर के अंदर और खजूरों के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। ब्लड कंटेन 0.08% ग्लूकोज, ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की परसेंटेज है, बड़ा अहम एमसीक्यू है। इन कंबाइन फॉर्म, इन्हीं ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ या किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, इट इज़ फाउंड इन मैनी डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, बहुत सारे डाई और पॉलीसेक्राइड में मौजूद होता है। स्टार्च सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन यील्ड ग्लूकोज ऑन कम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, यानी इन पेचीदा मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इनके टूटने की वजह से ग्लूकोज भी बनता है, क्योंकि ग्लूकोज इनकी कंपोजिशन भी शामिल है। सोर्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ से हम हासिल करते हैं, प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन प्लांट्स, सब्ज पौधे ग्लूकोज का बुनियादी जरिया है। यहाँ पे देखें, केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा से लेते हैं और पानी ज़मीन से लेते हैं। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पत्तों के अंदर मौजूद क्लोरोफिल के अंदर ये ग्लूकोज बनती है। अब ये जो प्रोसेस है, ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो से मुराद है लाइट और सिंथेसिस से मुराद है बनना, यानी लाइट की मौजूदगी में ये ग्लूकोज बन रहा है, इस वजह से हम इसको फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का जो बुनियादी प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। फॉर सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए सोलर एनर्जी यूज, कितनी सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती है, 717.6 किलो कैलोरी। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्लूकोज, अब ये सूरज की रोशनी की एनर्जी ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है एज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी की शक्ल में, क्योंकि ग्लूकोज में ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एनर्जी का जरिया होता है। एंड बिकम अवेलेबल, और ये इस्तेमाल होती है इन द ऑर्गेनिज्म जानदारों में, व्हेन ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी, यानी बॉडी को जब भी एनर्जी की जरूरत होती है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, तोड़ता है, और ग्लूकोज की उस एनर्जी से ATP को बनाता है, और ATP को जानदार अपने तमाम कामों के लिए इस्तेमाल करता है।